हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एनामुलक सुमन, कंट्री मैनेजर एस्पायर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। आपके साथ फिर जुड़ गया नया वाला एक टॉपिक्स लेकर। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ ढाका ऑफिस से कोई ना कोई रोज एक टॉपिक्स लेकर आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले सालों से आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो भी करना है हमारा जो एस्पायरिंग लाइफ से, और जो स्टूडेंट हमारे साथ मदद मांगने के लिए कह रहे हैं हम उसको कोशिश कर रहे हैं, उसको जो भी चीज का जरूरत है हम लोग ढाका ऑफिस हर टाइम कोशिश कर रहे हैं उसके देने के लिए। तो इसलिए बहुत पेरेंट्स स्टूडेंट भी हमको क्वेश्चन कर रहे हैं आने के पहले, जो बांग्लादेश में मेडिकल पढ़ने के लिए आएगा आने के पहले सर हमको क्या क्या लेकर आना है बांग्लादेश में, एक्चुअली आप थोड़ा गाइडन कर दीजिए। तो जो मेन टॉपिक्स था वो है बुक्स, अगर सर हम लोग बुक्स इधर खरीदना सकते और बुक्स लेकर आना सकते आना पड़ेगा इंडिया से, तो हमका क्या जो भी हमारा जो मसला ये है, एक्चुअली बांग्लादेश में इंडियन राइटर का जो भी बुक से इजीली मिल जाता है। एक्चुअली जब आप लोग कॉलेज में आएगा आने के बाद जब एडमिशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट होगा तब कॉलेज से आप लोगों की स्टूडेंट की एक बुक लिस्ट देता है, तो बुक लिस्ट मिलने के बाद ही उसको बुक खरीदना है। एक्चुअली बहुत स्टूडेंट मुझे भी देखा है जो वो इंडिया से बुक्स लेकर आ रहे हैं, तो टोटली उसका जो भी बुक चाहिए वो बहुत एटलीस्ट 4 to 5 kgs हो रहा है, तो इतना ज्यादा वेट लेकर क्यों उसका जो भी सामान बांग्लादेश में लेना लेकर आता है तो ये वेट बर्बाद क्यों करेगा, जो बांग्लादेश में इजीली मिलता है एक्चुअली। इसलिए बांग्लादेश में जो बच्चा ढाका हर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उसके लिए ढाका नीलखेत है। ढाका नीलखेत में हर कोई राइटर का जो भी बुक्स है जो मेडिकल में पढ़ाते हैं ओरिजिनल बुक्स फोटोकॉपी जो भी उसको मिल चाहिए वो हर कोई चीज उसको उधर मिल जाता है। इसलिए मेरा जो मसला है आप तो सिर्फ इंडिया से जैसे वेट लूज कर क्यों आपको लेना है जो बांग्लादेश में अवेलेबल मिलता है, तो इसलिए जो मेरे जो मसाला है आप जब बांग्लादेश में आएगा ढाका में जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं एक्चुअली कॉलेज के जब आपको एक बुक लिस्ट देना देगा तभी आप ढाका के जो भी नियरेस्ट बुक पॉइंट्स है उधर से आप बुक खरीद कर सकते हैं। अगर इस तरीके में हमारा कोई भी मदद चाहिए तो हम लोग के आप लोग जस्ट कॉल करिए, हमका जो भी ऑफिस से एक बंदा चला जाएगा आप लोगों को बुक खरीद करने के लिए, जो भी आपको चाहिए जो असिस्टेंट चाहिए हम लोग रेडी है आपको असिस्टेंट करने के लिए। और ढाका के बाहर जो बच्चा पढ़ते हैं स्पेशली चिटॉग में राजशाही में सिलेट में कुमिल्ला में उसका भी जो नियरेस्ट जो पॉइंट है नियरेस्ट जो सिटीज है उधर भी इतना ज्यादा बुकशॉप है ना, बुकशॉप में इजीली हर कोई बुक्स मिल जाता है आपको, जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं जो भी बुक्स आपको बुक लिस्ट में है वो इतना आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए मेरे मसाले आप क्यों एटलीस्ट 4 to 5 kgs वेट लेकर एक्स्ट्रा वेट लेकर आप बांग्लादेश में आएगा फर्स्ट टाइम जो बांग्लादेश में अवेलेबल मिलता है। इसलिए आप जो पेरेंट्स है जो स्टूडेंट बांग्लादेश में पहले बार आ रहा है MBBS करने के लिए उसके साथ मेरे जो भी बंदा जुड़ रहा है हर कोई हम लोगों को गाइड करता है, हम आपको गाइड कर रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा चीजेस लेकर नहीं आना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में हर चीज मिलता है इजीली, जस्ट आपको पहचानना है कि उनसे स्टेशन से क्या आपको खरीदना है। अगर आपको नहीं पहचानते हम लोग है बांग्लादेश में, हमारा फोन नंबर भी इधर दिया है, हमारा ऑफिस का हर कोलिग का फोन नंबर दिया है, आप जस्ट एक बार कॉल करिए उस नंबर के कॉल करके हमारे पास आप जुड़ कर रहिए, हमको कहिए आपको लिए क्या करना है, हम लोग है आपके लिए आपके आपको जो भी हेल्प चाहिए हम लोग है इधर, हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए। तो अगले फिर आपको जो हमारा YouTube चैनल है YouTube चैनल में इस तरीके का नया वाला वीडियो आपको मिलना चाहिए तो हमारा जो YouTube चैनल है YouTube चैनल में सब्सक्राइब करिए, अगर हमारा जो भी वीडियो आपको अच्छा लगते है उसको सब्सक्राइब शेयर करिए लाइक करिए, अगर आप हमें कमेंट करके बताइए जो आपको क्या हमारा मुख से सुनना चाहते हैं एक्चुअली कौन टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे तो आपको इजी होगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे कह सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका कमेंट आएगा जो भी टॉपिक्स में आप लोग चाहेगा मैं बात करने के लिए मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ आगे से मैं इस टॉपिक्स में आपके साथ बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।